Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. बॉडी अगर फिट है तो दिमाग भी फिट रहेगा और अगर दिमाग फिट है तो देश भी अच्छा चलेगा। यशोदा हॉस्पिटल और उसका मैनेजमेंट और उसके MD पी एन अरोरा जी सदैव इस प्रकार का कार्यक्रम जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जब हम देखते हैं कि चुनाव का समय आता तो पूरे पेज भर करके एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि लोग अपना मत डालें, इसी प्रकार से लोग फिट रहें, एक मैसेज देने के लिए इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, वास्तव में स्वस्थ लोगों को रहना चाहिए और इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों में जागरूकता आती है। देखिए, हम सबको ये देखना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी उन्होंने शुरू किया है फिट इंडिया के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है और आज उसी के तहत यहाँ ये हाफ मैराथन भी हो रही है और देश के प्रधानमंत्री जी का और हम सबका मानना है कि अगर फिट रहेंगे तो देश फिट रहेगा, देश फिट चलेगा, उसी के तहत आज यहाँ आयोजन में हम सब लोग आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए फिट इंडिया अभियान शुरू किया था। अब ऐसे में PM के संदेश से प्रेरित होकर लोग इसका अनुसरण करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल गाजियाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल के बैनर तले फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हाफ मैराथन 2019 का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यानी अब PM के संदेश का ऐसा असर पड़ा है कि बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आ गई है, जो इस वीडियो में देखकर साफ तौर से जाहिर हो रहा है। इतना ही नहीं, इस हाफ मैराथन में आम जन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। हाफ मैराथन में 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की रेस का आयोजन किया गया है। इस बार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद जनरल VK सिंह और संगी सोम भी मौजूद रहे। अरुण सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि ऐसे सकारात्मक कार्य समाज के लिए होते रहने चाहिए। इसके लिए उन्होंने अस्पताल की पूरी टीम को बधाई भी दी, साथ ही साथ उन लोगों को भी बधाई दी जिन लोगों ने ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यशोदा हॉस्पिटल और उसका मैनेजमेंट और उसके MD PN अरोरा जी सदैव इस प्रकार का कार्यक्रम जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जब हम देखते हैं कि चुनाव का समय आता तो पूरे पेज भर करके एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि लोग अपना मत डालें, इसी प्रकार से लोग फिट रहें, एक मैसेज देने के लिए इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, वास्तव में स्वस्थ लोगों को रहना चाहिए और इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों में जागरूकता आती है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह ने कहा कि बॉडी के फिट रहने से दिमाग फिट रहेगा और दिमाग फिट रहे तो देश भी अच्छा चलेगा। बॉडी अगर फिट है तो दिमाग भी फिट रहेगा और अगर दिमाग फिट है तो देश भी अच्छा चलेगा। देखिए, हम सबको ये देखना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी उन्होंने शुरू किया है फिट इंडिया के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है और आज उसी के तहत यहाँ ये हाफ मैराथन भी हो रही है और देश के प्रधानमंत्री जी का और हम सबका मानना है कि अगर फिट रहेंगे तो देश फिट रहेगा, देश फिट चलेगा, उसी के तहत आज यहाँ आयोजन में हम सब लोग आए हैं।